कांग्रेस के नेता आज दिन भर ये दावा करते रहे कि आज शाम तक या कल तक सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा, मगर जिस तरह से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए यह फैसला आसान नहीं रहने वाला। बात अब इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया के समर्थक जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर डीके के समर्थक सिद्धारमैया पर हमलावर हैं और ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो उनके खेमे का ही होगा। ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धारमैया के समर्थकों का ये जश्न डीके शिवकुमार की उम्मीदों को ध्वस्त करने वाला है। ध्वस्त करने वाला है उस जोम को जिसने कर्नाटक की सियासी जमीन को अपने पसीने से हमवार बनाया, तब सत्ता सुखाया। ध्वस्त करने वाला है डीके की हिम्मत के उन कुदालों को जिन्होंने मेहनत से रोपा है कर्नाटक में जीत का पौधा, क्योंकि करीब करीब तय हो गया है कि मुख्यमंत्री का पद सिद्धारमैया के हिस्से आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अब तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है, मगर कहा यही जा रहा है कि बताते हैं, जरा धैर्य रखिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। तीन दिन से बैठ के चल रही है, कभी राहुल खड़गे से मिल रहे हैं, कभी खड़गे से सिद्धारमैया से मिल रहे हैं, कभी डीके से मुलाकातें हो रही हैं, आज भी बहुत मुलाकातें हुई। डीके शिवकुमार के साथ राहुल गांधी की भी बैठक हुई। बैठक करके डीके बाहर निकले तो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पहुंचे और खड़गे के घर से बाहर जब निकले तो एकदम शांत। संवाददाता सवाल कर रहे थे और जवाब के नाम पर डीके ने सिर्फ हाथ जोड़ लिया। अब ये तो कांग्रेस ही जाने कि क्या आलाकमान ने डीके के नाम से भी हाथ जोड़ लिया है। बहरहाल बैठके पर बैठके हो रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के लिए डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दोनों तैयार हैं और कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि बगैर किसी विवाद के किसका नाम आगे किया जाए कि बात बन जाए। स्थिति को कुछ नहीं हुआ, स्थिति तो बिल्कुल ठीक है। अब जो हम नया सरकार बना रहे हैं, हमारा जो लीडर्स, हमारा हाईकमांड जो फाइनल करेंगे, आज करते ही हम कल ही हमारा न्यू चीफ मिनिस्टर विल टेक द वोट। आला कमान ने भले ही सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है, मगर सिद्धारमैया के समर्थकों ने मान लिया है कि सीएम वही बने, इसीलिए जश्न ही जश्न है। दिवाली मनाई जाने लगी। तस्वीर को दुग्ध स्नान कराया जाने लगा। अपने आप में ये अजब है कि कांग्रेस जीती, कांग्रेस का ही सीएम बन रहा है, मगर कांग्रेस के ही कुछ लोग खफा हैं। डीके शिवकुमार को पसंद करने वाले सिद्धारमैया के नाम से नाराज हैं। वो चाहते हैं कि डीके सीएम बने। वी आर आस्किंग हाई कमांड टू सपोर्ट मिस्टर डीके शिवकुमार बिकॉज़ ही सक्सेसफुली डन इज जॉब एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमिटी। सो वी आर रिक्वेस्टिंग हाई कमांड टू कंसिडर द मैटर एंड डू बेस्ट फॉर द डीके शिवकुमार। डीके को बतौर सीएम देखने के लिए लालायित नेता सिद्धारमैया के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिद्धारमैया को स्वार्थी तक कह रहे हैं। इज ऑलवेज इंटॉलरेंट टू अदर लीडर्स, नाउ ऑल्सो इज नॉट इंटॉलरेंट टू डीके शिवकुमार, परमेश्वर और मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। सो दैट इज ए मोस्ट सेल्फिश लीडर, बट नोबडी इज ब्लेमिंग। स्लोली इट इज कमिंग अप नाउ, विल सी व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट। दोनों पक्षों में तलखियां हैं। डीके शिवकुमार खुद को बार बार पार्टी का समर्पित योद्धा बता रहे हैं तो सिद्धारमैया अपने अनुभव को आधार बनाकर सीएम पद चाहते हैं। सीएम के नाम का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, मगर बेंगलुरु में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं।
हम अब कंठीरवा स्टेडियम के पास है जहां पे कल अगला मुख्यमंत्री सिद्धरामैया उनका शपथ लेंगे। आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे पूरा अरेंजमेंट्स हो रहा है, रेड कारपेट से लेकर बैरिकेड और चेयर सबका इंतजाम कर रहे हैं। ऑफिशियल्स को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि कल सिद्धरामैया यही से शपथ लेंगे और इसी के वजह से अभी पूरा अरेंजमेंट्स यहां पे हो रहा है। 2013 में जब सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री का शपथ लिया था इसी स्टेडियम पे, कंठीरवा स्टेडियम पे ही शपथ लिया था, उसके बाद उन्होंने 5 साल कंप्लीट किए थे। अभी आप देख सकते हैं वही है जो स्टेज जहां पे कल सिद्धरामैया शपथ लेंगे